मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित विकास भवन के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया द्वारा ग्राम पंचायत स्तर की शिकायत के निस्तारण के लिए विकास भवन के सभागार में समस्त खंड विकास अधिकारियों की उपस्थिति में जियो बेस्ड लोकेशन आधारित तकनीक का उपयोग करते हुए जन शिकायत ऐप को लॉन्च किया गया। ऐप विमोचन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा जन शिकायत को दी गई प्राथमिकता और ग्राम सचिवालयों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जन शिकायत मुजफ्फरनगर नाम से ही मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। ऐप की विशेषताएं ये है कि मोबाइल नंबर और ईमेल का उपयोग कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के बाद ग्राम पंचायत स्तर का निवासी अपनी मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सफाई न होना, स्ट्रीट लाइट खराब होना, गांव की सड़क का टूट जाना, सार्वजनिक शौचालय का संचालित न होना, जल भराव इत्यादि समस्याओं को तहसील विकास खंड ग्राम पंचायत चुनकर अपनी समस्या को लिखकर ऐप के माध्यम से दर्ज कराएगा तो शिकायत सीधे संबंधित अधिकारी के मोबाइल पर जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया ने कहा कि इस ऐप की विशेषता ये है कि इस ऐप के माध्यम से जो शिकायत करेगा उसका 8 दिन के भीतर समाधान न होने पर शिकायत का नोटिफिकेशन 8 दिन के बाद स्वयं ही उच्च अधिकारियों के पास पहुंच जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जन शिकायतों को दी गई प्राथमिकता, जन शिकायतों के समाधान को दी गई प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने जन शिकायत मुजफ्फरनगर नाम से ये ऐप बनाया है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की खासियत ये है कि इसमें प्रॉब्लम दर्ज करना, शिकायत दर्ज करना जियो लोकेशन बेस्ड है। आप इसमें लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी के माध्यम से, इसमें तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुन के अपने अटैचमेंट्स जो कि इमेज के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में या एक पीडीएफ के फॉर्म में हो सकते हैं, आप वो अटैचमेंट करके या अपना मैसेज लिख के अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगे। शिकायत की जियो लोकेशन स्वतः ऐप अपने आप ले लेगी, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन संबंधित ग्राम सचिव के पास चला जाएगा और पब्लिक को भी जिसने शिकायत दर्ज की है उसके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आपका समाधानकर्ता का नंबर ये है। जब एक सप्ताह में सचिव को इसको सॉल्यूशन करना है, एक सप्ताह में अगर सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो नोटिफिकेशन उच्च अधिकारियों के पास जाएगा, तब देखा जाएगा कि किन कारणों से समाधान नहीं हो पा रहा है। इससे बेनिफिट कई होंगे, घर पे बैठ के समाधान नहीं हो पाएंगे, आपको मौके पर पहुंचना पड़ेगा। दूसरा, डेटा एनालिटिक्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि किन शिकायतों में कितना समय लग रहा है, किन शिकायतों को हम लोग समाधान नहीं कर पा रहे हैं, किन कारणों से। यदि बजट के अभाव में कोई शिकायत आज हम समाधान नहीं कर सकते हैं तो प्रयत्न ये रहेगा कि आगे आने वाले प्लान में, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए ताकि लोगों की डिमांड के आधार पर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनना स्टार्ट हो जाए। सर, किस तरह की समस्याएं इस ऐप से हल हो, शिकायतें किस किस प्रकार की दर्ज की जाएंगी? फिलहाल हमने पंचायती राज और ग्राम विकास विभाग से संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं उनको लेने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि कहीं पे नाली की समस्या है, कहीं पे साफ सफाई की समस्या है, कहीं पे आवारा पशु की समस्या है, ऐसी समस्याएं जिनको हम विकास भवन में अमूमन सॉल्व करते हैं, उन समस्याओं को हम लोग ने सॉल्व करने का प्रयत्न इस ऐप से माध्यम से करेंगे। सर, ये ग्रामीण इलाकों में भी होगा या शहरी इलाकों में? मात्र ग्रामीण इलाकों में होगा इसमें। उन्होंने कहा कि इससे कई फायदे होंगे, घर पर बैठकर समाधान नहीं हो पाएंगे, आपको मौके पर जाना पड़ेगा। दूसरा, डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा कि शिकायतों में कितना समय लगता है और किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में ज्यादा आ रही हैं और किन समस्याओं का समाधान वो नहीं कर पा रहे हैं। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।